गामजोम जामा पहलोग हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर समंदर के किनारे बसा शहर बॉम्बे कभी खूबसूरत और शांत हुआ करता था। हर इंसान एक बार तो बॉम्बे जाने की चाहत रखता था। इस शांत शहर की गलियारों में एक दिन अंडरवर्ल्ड की आंधी ने कदम रखा। कट्टे और बंदूकों से जो सैलाब उठा उसने बहुत कुछ तबाह कर डाला। बॉम्बे के मायने ही बदल गए। आज का मुंबई जो खुश और आबाद दिखने की कोशिश करता है ना, लेकिन वही जानता है कि उसने क्या देखा और क्या झेला। ये वही बम्बई है जहां कभी हाजी मस्तान, करीमलाला, वरदराजन, मुदलियार जैसे डॉन की सल्तनत हुआ करती थी। लेकिन फिर आया एक हटेला, उसने बम्बे के इन भावलोक के साम्राज्य को हिला डाला। नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने अखे बम्बई में ऐसा कोहराम मचाया कि बम्बई की सड़कें रोज खून से लाल होती। अंधेरी रातों में न जाने कब किसका मुंडी कट जाए कोई नहीं जानता था। और इन्हीं गैंगोर की कहानियां सुनकर मुंबई की झोपड़पट्टियों से दो छोकरे निकले। दोनों अलर्ट थे, जवान थे, आंखों में गजब का जुनून, फौलादी इरादे, निकल पड़े अक्खी बम्बई में राज करने। जो भी आड़े आया उसे काट डाला और फिर इतनी गोलियां बरसाई कि उसकी आवाज आज भी मुंबई भूला नहीं। कहते हैं कि अगर ये दोनों पैदा ना होते तो शायद मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी अधूरी सी लगती। रह ममा अलर्ट मोड पे रहने का, क्योंकि आज दो ऐसे गैंगलॉर्ड की कंपैरिजन होएंगी जो असंभव है। एक था मुंबई का बाप, बोले तो मानिया शुरू है। दूसरा मुंबई का राजा, बोले तो माया भाई उर्फ माया डॉलर्स। आज अपन बताएंगे कौन था सबसे ज्यादा ताकतवर। पहले बात करें मानिया सुरवे की, तो उसका जन्म हुआ था 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रतनपुर गांव में। बापू ने नाम रखा मनोहर अर्जुन सुरवे। साल 1952 में मनोहर अर्जुन सुरवे की अक्की फैमिली काम की तलाश में बम्बई आई, जहां एक चोल में रहने लगे। इधर मनोहर बड़ा हुआ, मुंबई की कीर्ति एम डूंगर सी कॉलेज में रसायन विज्ञान में दाखिला लिया, जहाँ छोकरे ने 78% के साथ रसायन विज्ञान में टॉप किया। दूजी और मनोहर को कॉलेज में विद्या जोशी नाम की छोकरी से इलू इलू हुआ। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उसकी लकीर एक नई कहानी लिख चुकी थी। माया डोलस जो बापू विठोबा और महारत्न प्रभा की 6 संतानों में से एक था, ITI पास आउट छोकरा, बचपन से ही आवारा गर्दी का उस्ताद था। पढ़ाई लिखाई में कोई मन न था, बात बात पे गालियां बकता, और अगर कोई उंगली करे तो उसका उंगली काट डालने का ये उसका रोज का काम था। रह ममा मानिया सुरवे के पहले कांड की बात करे तो मानिया सुरवे छोकरा अच्छा था, लेकिन उसके ताऊ का छोकरा भार्गव दादा, जो दादर की आगरा बाजार का एक गुंडा था, अक्खे इलाके में उसकी तुत्ती बोलती थी। दूजी और मानिया और भार्गव के बीच भाईचारा भी गजब का था। उधर भार्गव दादा के दोस्त मानिए बोधाकर का इलाके के गुंडे डांडेकर से लपड़ा चल रहा था। बात मरने मारने पर उतर आई तो एक दिन भार्गव दादा, बोधाकर और मानिया सुरवे ने मिलकर डांडेकर को ठोक डाला। इधर इंस्पेक्टर दाबोलकर ने तीनों को उठाया, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी और भेज दिया पुणे की यरवाड़ा जेल में। अब माया भाई यानी माया डोलस के पहले कांड की बात करें तो छोकरा तो पहले से एड़ा था, उसे बस एक बड़े गैंग को ज्वाइन करना मंग था। तो 1980 में अशोक जोशी की गैंग में घुस गया, जहां उसने अपने डेयरिंग और गट्स के चलते एक रावत शूटर वाली इमेज बना ली। इधर फिदा होकर अशोक जोशी ने कांजूर गांव का अक्का इलाका माया भाई को सौंप दिया। अब माया डोलस अक्के कांजूर मार्ग में सेक्स रैकेट और वसूली का धंधा पूरी दबंगाई के साथ चलाने लगा। अशोक जोशी के बाद वो भाई खल्ला गैंग का मेंबर बना, क्योंकि उसे अक्की बम्बई पे राज करना था। अब बात करें दुश्मनी की तो अक्का इंडिया जानता है मानिया सुरवे का दुश्मन कौन था। लेकिन दुश्मनी कहां से शुरू हुई तो सुनो बिड़ू। मानिया सूर्य जब यरवाड़ा जेल में बंद था, तब वह खूंखार बन चुका था। उसके बर्ताव को देख उसे भेज दिया गया रत्नागिरी जेल, लेकिन वहां उसने हड़ताल की। कई दिन भूखा रहा तो हालत खराब हो गई, अस्पताल लाया गया।
लेकिन अस्पताल में पुलिस लोग को चूना लगाकर वह कल्टी मार लिया। भागने के बाद उसने अपनी गैंग बनाई, खूंखार सुटोरों को अपनी गैंग में शामिल किया। फिर क्या लूट मर्डर डकैती का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते अब की बंबई में मानिया का नाम छा गया। इधर मानिया सुरवे के बढ़ते कद को देख दाऊद इब्राहिम बौखलाया, क्योंकि एक तो मानिया अपना दबदबा बढ़ा रहा था, दूजी और मानिया सुरवे ने दाऊद के जानी दुश्मन यानी करीम लाला के पठान गैंग के साथ सेटिंग कर लिया था, और दूसरी कई ऐसी बातें थी जिसने दाऊद और मानिया के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। अब माया डोलस की बात करें तो माया डोलस का दुश्मन भी दाऊद ही था, क्योंकि जब दाऊद को लगा कि बॉम्बे में उसका साम्राज्य स्थापित तो हो चुका है लेकिन मुंबई पुलिस की रडार पर भी वही था, दाऊद को खत्म करने मुंबई पुलिस प्लान बना चुकी थी, तो वह चला गया दुबई। दाऊद के दुबई जाने के बाद छोटा राजन भी दुबई चला गया। इधर दाऊद ने मानिया जुरुए और दिलीप बुआ को मुंबई की कमान दे दी। ये दोनों थे एड़े, अपनी मर्जी के मालिक थे, ऊपर दाऊद का हाथ था। अपराध करते करते दोनों इतने पागल हो गए कि दाऊद के खिलाफ जाकर काम करने लगे। जिन बिल्डरों से दाऊद को रंगदारी मिलती थी माया उन्हीं बिल्डरों से वसूली करने लगा। ये बात दाऊद को राज ना आई और शुरू हुई दुश्मनी। भाई लोग मानिया सुरवे के खिलाफ मुंबई और पुणे में लूट मर्डर रंगदारी प्रोटेक्शन मनी के करीब 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वहीं माया डोलस की बात करें तो उसने तो हद ही पार कर दी थी। कांड करता दिलीप बुआ लेकिन नाम चलता माया का, यही वजह है कि उसके खिलाफ 4 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। कहते हैं कि अपराधियों की लकीरें ऊपर वाला लंबी नहीं खींचता, वरना बवाल हो जावे। 11 जनवरी 1982 मानिया सुरवे वडाला स्थित आंबेडकर कॉलेज के पास एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी को मिलने आया था, लेकिन दाऊद पहले से मुंबई पुलिस को मानिया के वडाला में आने की टिप्स दे चुका था। और दोपहर करीब 1:30 बजे इसाक भगवान की टीम ने मानिया सुरवे को उसी के इतिहास के साथ खल्लास कर डाला। लेकिन मानिया की कहानियां आज भी मशहूर है, वजह थी उसका डेरिंग। बात करें माया डोलस की तो 16 नवंबर 1991 का वह दिन था। मुंबई पुलिस के एसीपी आफ्ताब अहमद खान को टिप्स मिली थी कि माया डोलस दिलीप बुआ समेत उसकी अक्की गैंग अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2 और 3 में रुके हैं। कहते हैं कि इस बार भी मुखबिरी करने वाला दाऊद ही था, और फिर उस दिन इतनी गोलियां बरसी कि एनकाउंटर के मायने ही बदल गए। इसी के साथ माया डोलस का अध्याय भी खत्म हो जाता है। लेकिन भाई लोग माया डोलस और मानिया सुरवे के किरदार में कुछ तो बात रही होएंगी कि उसकी बातें आज भी अक्के हिंदुस्तान में होती है। शायद अपराध की गलियारों में ये लोग बापू थे। तो फिर भाई लोग कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है कौन होएगा सबसे ज्यादा ताकतवर। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।